हमारा दिमाग एक जबरदस्त उपहार है जो हमारे रास्ते में आने वाले हर अनुभव और हर जानकारी को स्पष्ट रूप से याद रखता है। खैर, इसे एक अद्भुत कल्पना में बदला जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी कल्पना पर नियंत्रण खो देते हैं, अगर आप ये फर्क ना कर पाएं कि कल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है और अतीत क्या है, तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ज्यादातर इंसान जीवन से परेशान नहीं हैं, वे सिर्फ अपनी याददाश्त और अपनी कल्पना से परेशान हैं। 10 साल पहले जो हुआ वे आज भी भुगत रहे हैं, परसों जो हो सकता है वे उसे लेकर अभी से परेशान हैं। ये जीवन के बारे में नहीं है, ये इंसान की 2 सबसे शानदार क्षमताओं पर अपना नियंत्रण खो देने की वजह से है। यादों का एक प्रबल एहसास और कल्पना कर पाने की क्षमता। अपने भविष्य की चिंता न करें। अगर आप अपना वर्तमान अच्छे से चलाएं तो भविष्य स्वाभाविक रूप से खिल उठेगा। हम केवल उसी के साथ काम कर सकते हैं जो अभी हमारे हाथ में है, जो हमारे दिमाग में है। जो आपके दिमाग में है उसे लेकर आप योजना बना सकते हैं, पर आप उसका कर कुछ नहीं सकते। आप सिर्फ वर्तमान पल में ही कुछ कर सकते हैं। आप केवल वही संभाल सकते हैं जो अभी है। वो लोग जो अपने विचारों और भावनाओं में डूबे रहते हैं, लगातार सोशल मीडिया वगैरह पर पाए जाते हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने फोन से छुटकारा पाना चाहिए, जंगल में टहलना चाहिए। यदि ये हर दिन संभव नहीं है तो महीने में कम से कम 1 या 2 दिन कहीं खो जाना चाहिए। बस प्रकृति में अकेले रहें, चलें, बैठें, ध्यान दें। यदि आप पर्याप्त ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आप हर छोटी चीज से पूरी तरह सम्मोहित हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से एक चींटी बनाई गई है वो भी आपके और आपकी बुद्धि के समझने के लिए बहुत ज्यादा है कि इसे कैसे बनाया गया है। जिन्होंने सृष्टि की ओर अपनी आंखें तक नहीं खोली हैं, वो अपनी खुद की दिमागी दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं, जो सिर्फ उनके विचार हैं या भावनाएं हैं जो इसका रसदार हिस्सा है। जब आपके विचार और भावनाएं सृष्टा की रचना से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने ही अनुभव में डूबी एक त्रासदी बन गए हैं। आपने जीवन की प्रकृति को पहचाना ही नहीं है। हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हम किसी भी चीज को पूरी तरह नहीं जानते। तो यही सृष्टि की प्रकृति है। यदि आप इस पर ध्यान दें तो स्वाभाविक रूप से आपके अपने विचार और भावनाएं पीछे दब जाएंगी। आप तब भी उनका आनंद ले सकते हैं, पर आप जान जाएंगी वे कितने महत्वहीन हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि यदि आप जीवन के तमाम आयामों का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको गंभीरता छोड़नी होगी। आप में गंभीरता सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को बहुत गंभीरता से ले लिया है, जबकि हम इस ब्रह्मांड में बहुत कम समय के लिए यहाँ मौजूद हैं। यहाँ एक विशाल ब्रह्मांड है, वो तारामंडल, वो सौर मंडल जिसमें हम मौजूद हैं एक कण है। उसमें पृथ्वी एक सूक्ष्म कण है। उस सूक्ष्म कण में जिस जगह आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं वह सुपर सूक्ष्म कण है। उसमें आप एक बड़े पुरुष या महिला बन गए हैं और इसीलिए आप जीवन के प्रति इतने गंभीर हैं। ये एक बहुत छोटा सा जीवन है। इसमें अगर आप खुद को बहुत सीरियसली लेते हैं तो आप एक बड़ा मजाक हैं। जीवन का रहस्य है किसी भी चीज के प्रति गंभीर न होना, पर एक खेल की तरह पूरी तरह शामिल होना। तो जीवन में पूरी भागीदारी रखिए। जीवन में पूरी भागीदारी लेने के लिए ये जान पाना जरूरी है कि हमारे जीवन का महत्व सिर्फ तभी तक है जब तक हम जिंदा हैं। ये हमेशा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक कि आप उस अनंत आयाम को न छू लें जो आप वाकई हैं। जीवन इतना छोटा है कि सिर्फ वही काम करके जीवन सार्थक होगा जिसकी आप वाकई परवाह करते हैं। जीवन में सच्ची भागीदारी तभी आएगी
आप खुद को पूरा तभी झोंकेंगे जब आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए वाकई मायने रखता हो। इसे खोजना जरूरी है। खोजने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपना आधा जीवन अपना जुनून ढूंढने में लगा दें। नहीं, बस आपको सब कुछ अपना बना लेने की क्षमता खोद निकालनी है। जब सब कुछ आपका है, ये सारी दुनिया और ये ब्रह्मांड आपका है, तो जब ये आप ही का एक हिस्सा है, तो यदि आप खुद को पूरी तरह से शामिल करते हैं और लगातार वो बनाने का प्रयास करते हैं जो कि आपके लिए मायने रखता है, जिसकी आप वाकई परवाह करते हैं, तो आपका अस्तित्व ही सार्थक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके काम या आप क्या हासिल कर पाते हैं या शायद नहीं कर पाते, पर आपका अस्तित्व वाकई सार्थक होगा, क्योंकि सिर्फ सांस लेने और जीना ही जबरदस्त है। There is no greater phenomenon in life. जीवन से बड़ी कोई घटना नहीं है। अगर ये सार्थक नहीं है तो क्या सार्थक है?